ट्रांसलेशन या अनुवाद, यह अंग्रेजी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये हाई स्कूल में इंटर में दोनों में पूछा जाता है। ट्रांसलेशन में ज़्यादातर स्टोरी आती है जो पास्ट टेंस पर डिपेंड होती है, लेकिन कभी कभी पास्ट टेंस के अलावा ये प्रेजेंट या फ्यूचर में भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली पास्ट टेंस में होती है। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपको ट्रांसलेशन बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ट्रांसलेशन का, वो प्रायः उसमें इट या दे आर का यूज़ होता है। जैसे जंगल में एक शेर था, एक राजा था, इस तरह से कोई भी सेंटेंस है, जंगल में एक शेर था, देयर वॉज ए लायन इन द फॉरेस्ट, इसी तरह से तेज हवा चल रही थी, इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, या तेज बारिश हो रही थी, इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें इट या देयर का ही मोस्टली प्रयोग होता है। अथवा कभी कभी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस से भी स्टोरी शुरू होती है, जैसे क्या आप सरदार पटेल को जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि गांधी जी भारत के सबसे महान नेता थे, तो डू यू नो इफ़ गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, या क्या आप सरदार पटेल को जानते हैं, डू यू नो सरदार पटेल। तो इस तरह से कोई भी स्टोरी होती है उसमें ज़्यादातर देयर या इट से सेंटेंस प्रयोग होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, तो इसलिए देयर का प्रयोग समझिए।